हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सबको जानसी की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग उसी में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और आनंदित होंगे और आने वाले समय में परमेश्वर आपको आशीषित रखेंगे। हालेलुया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए इस नई वीडियो लेकर आते हैं, आज भी हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कि हमें विश्वास परमेश्वर पर विश्वास क्यों करना है और परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों को क्या कुछ मिल सकता है। हालेलुया, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कि बाइबल में अय्यूब नबी के बारे में, अय्यूब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा था और परमेश्वर के वो एक परमेश्वर का प्रिय दास था और परमेश्वर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हालेलुया, आइए पहले हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। आमीन। अय्यूब की प्रथम परीक्षा। उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि उच्च देश में एक अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था, वो परमेश्वर में सीधा और खरा था और परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया, हालेलुया, आपने जैसे कि पढ़ा कि जो यकूब जो अय्यूब था वो परमेश्वर का एक प्रिय दास था और वो परमेश्वर के डर में रहता था और परमेश्वर के भय को मानता था। हालेलुया, और उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 सरी बैर और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी एक दूसरे के घर में खाने को जाया करते थे। हालेलुया, जैसे कि बाइबल बताती है कि अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे पशु थे, बहुत सारी जमीन थी, मतलब कि वो कई देशों से अमीर व्यक्ति था। हालेलुया, आज हम अय्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि उतना उसका विश्वास परमेश्वर पर इतना बड़ा था कि परमेश्वर ने उसे हर एक चीज छीन ली थी, फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, और बाइबल बताती है कि उसके जो बेटे बेटियां थे वो बारी बारी जैसे कि एक दूसरे के घर खाने के लिए जाया करते थे, अपनी बहनों को भी साथ लेकर वो एक दूसरे के घर खाने के लिए जाया करते थे, क्योंकि जो उसका अय्यूब के बेटे बेटियां थे, अय्यूब इसलिए ऐसा करता था, परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, हर बार परमेश्वर को बलि चढ़ाता था कि क्योंकि उसके बच्चे कहीं पाप में ना हो, कब गिर जाए, कहीं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे, इसलिए वो परमेश्वर को उनके लिए भेंट चढ़ाता था। हालेलुया, और बाइबल में आगे हम पढ़े तो आप जैसे कि आप जानेंगे कि अय्यूब के लिए परमेश्वर की एक परीक्षा भी थी। परमेश्वर ने अय्यूब को एक परीक्षा दी और जब परमेश्वर जब इसे अपने सिंहासन पर एक सभा कर रहा था, सब दूतों के साथ अपनी जैसे मान लो मीटिंग कर रहा था, वहां पर शैतान भी आया। हालेलुया, शैतान ने आकर कहा कि शैतान भी वहां पर आया तो परमेश्वर ने यहोवा पिता ने कहा तू कहां से आता है। शैतान ने कहा मैं धरती पे घूमते गामते डोलते डालते धरती से आया हूँ। हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा तू धरती से आया है तो धरती पर तूने मेरे एक दास को देखा होगा जिसका नाम अय्यूब है, वो मेरे वचनों पर कैसे खड़ा है, मेरा भय मानने वाला दास है, मैंने ऐसा विश्वास कभी किसी दास में नहीं पाया। हालेलुया, और शैतान ने परमेश्वर को परखने के लिए कहा अगर तू कहता है कि अय्यूब तेरा भय मानता है, अय्यूब तेरे डर में रहता है, वो इसलिए कि तूने उसे सब कुछ दिया, तूने उसे जायदाद दी, उसे बेटे बेटियां दी, उसके बच्चे इतने, उसकी सब भेड़ बकरियां, मतलब कि उसे तुमने सब देशों से अमीर व्यक्ति बनाया, इसलिए वो तेरा डर मानता है। हालेलुया, तब परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं इसे सब कुछ छीनूंगा तो मैं फिर भी देखूंगा कि कैसे अय्यूब फिर भी मेरे पे विश्वास करता है। शैतान के इस परीक्षा के कारण, परमेश्वर ने इस परीक्षा के कारण अय्यूब का विश्वास परखना चाहा, तब परमेश्वर ने उसके सातों 7 बेटे और 10 बेटियां मार डाली। परमेश्वर ने उसके भेड़ बकरी सब जमीन जायदाद तो जो भी उसके पास था, जो भी उसकी धन दौलत थी, सब कुछ उसे छीन लिया। हालेलुया, और जब सब कुछ उसे छीन लिया गया तो परमेश्वर ने जाना चाहा कि अभी भी अय्यूब क्या मेरे पर विश्वास करता है, अभी भी क्या मेरा भय मानता है। ये जानने के लिए जब अय्यूब को पूछा गया कि तेरा अब सब कुछ छीन लिया गया, तेरा सब कुछ तबाह हो चुका है, क्या तू अभी परमेश्वर को मानता है, तो अय्यूब ने कहा हाँ मैं अब भी परमेश्वर को मानता हूँ, क्योंकि वही एक परमेश्वर है, वही धरती आकाश बनाने वाला परमेश्वर है, जो उसी ने मुझे दिया था और उसी ने ले लिया, उसी के नाम को मुबारक हो, उसी के नाम को महिमा मिले।
हालेलुया। इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि अजूबों का विश्वास कितना बड़ा है और अजूब परमेश्वर पर कितना बड़ा विश्वास करता है हालेलुया। और परमेश्वर की इस परीक्षा के दौरान भी पता चल गया, परमेश्वर को भी पता चल गया कि अय्यूब मेरा एक सबसे बड़ा, सबसे भय खाने वाला हर और मेरा सबसे ज़्यादा डर रखने वाला एक दास था हालेलुया। और जब ये अजूब से सब कुछ छीन लिया गया, तब फिर से शैतान फिर से परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि अब तूने देखा ना, मैंने उससे सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो मेरा भय मानता है, फिर भी वो मेरे नाम को ही महिमा देता है हालेलुया। तब शैतान ने कहा, तुमने उसे सब कुछ छीन तो लिया, पर अभी तक भी तूने उसके शरीर को कोई आँच नहीं आने दी, उसके मतलब बॉडी पर कोई आँच नहीं आई। अब हाथ बढ़ाओ और उसके शरीर को, उसके बॉडी को कोई नुकसान दे, ताकि वो ये सब जर नहीं सकता, ये सब पाने के बाद वो तेरे ही मुंह पर तेरी निंदा करेगा कि मेरा परमेश्वर कैसा है हालेलुया। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, अब मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, वन उसकी जीवन, वन उसे मारना नहीं है, वन उसकी जान को छोड़कर जो भी तू कुछ कर सकता है वो कर, और मैं देखूंगा कि कैसे मेरा दास जो भी अजूब है कि मेरी निंदा करता है या मेरी महिमा ही करता है हालेलुया। तब शैतान ने अजूब के सिर से लेके पांव तक पूरे जख्म फोड़े ही फोड़े कर दिए और पूरे उसके शरीर में जख्म ही जख्म, वो दिन रात दर्द से तड़पता रहता था। और फिर भी उसकी पत्नी ने उसे कहा, तेरे परमेश्वर ने तुझे इतना कुछ, इतना दर्द दिया, सब कुछ तुझे सील है, तू अभी भी अपने परमेश्वर के नाम को ही महिमा देगा, उठो और उसके नाम को निंदा कर, उसके नाम को नीचा कर हालेलुया। फिर भी उसने अपनी पत्नी को कहा, तू एक मूड स्त्री है, तुझे कोई समझ नहीं है, मैं उस परमेश्वर को कभी बुरा नहीं कह सकता जिसने मुझे माँ के गर्भ से ही चुना था, जिसने मुझे माँ के गर्भ से ही चुनकर यहाँ भेजा है, मैं उसको कभी गलत नहीं कह सकता, अगर वो मारता है तो वो जिलाता भी है हालेलुया। इसी तरह मैं आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, कि बाइबल भी कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है हालेलुया। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक मुश्किल, हर एक बंधन, हर एक बीमारी से हमें आज़ाद कर सकते हैं हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जितनों ने विश्वास किया उतनों ने परमेश्वर की एक बड़ी ग्रेस को, एक बड़े अनुग्रह को देखा हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम थी, 12 साल से वो इस बीमारी से जूझ रही थी, पर उसका एक विश्वास था कि मैं परमेश्वर के आंचल को, परमेश्वर के पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी हालेलुया। उसने परमेश्वर के आंचल को, परमेश्वर के पल्लू को छूकर परमेश्वर से चंगियाई पाई, वो उसके आंचल से चंगियाई नहीं पाई, वो उसने अपने विश्वास से चंगियाई पाई, उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था कि मैं परमेश्वर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी हालेलुया। वैसे ही आप लोगों को परमेश्वर पर विश्वास रखना है अपनी तंगियों में, अपनी मुश्किलों में, अपनी बीमारियों में, हर एक अपने संकट के समय में, दुख के समय में आपको परमेश्वर को याद रखना है। ये नहीं कि जब परमेश्वर आपको सुख दे तभी आपको परमेश्वर को याद रखना है, तभी आपको प्रार्थना करनी है, नहीं, अपने कष्ट के समय में, अपने संकट के समय में, अपनी घटी के समय में भी परमेश्वर को याद करना और उसके विश्वास में अरे और खड़े रहना हालेलुया। सबको जान से की गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपके मनों में बहुत ज़्यादा विश्वास करे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, मेरे सामर्थ्य खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस वचन को पिता तूने मेरे लिए मुझे कहा कि मैं तेरे लोगों तक लेकर जाऊँ मेरे परमेश्वर, पिता तेरा धन्यवाद करती है पिताजी। ये वचन पिता मेरी और तेरे लोगों की जिंदगियों में कार्य करे पिता, उनकी जिंदगियों में पिता तेरा विश्वास भरे पिता, उनके मनों में तेरा विश्वास भरे पिता, वो विश्वास के द्वारा पिताजी आगे बढ़ने पाए पिता तेरा, वो जानने पाए कि विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर में बढ़ा सकता है। क्योंकि बाइबल भी कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है हालेलुया। पवित्र आत्मा जी इनके मनों में कब्जा कीजिए, पवित्र आत्मा जी इनके दिमागों में कब्जा कीजिए और इन्हें छूकर पिता इनकी प्रॉब्लम से, इनकी तंगियों से, इनकी बीमारियों से इन्हें शिफा दीजिए मेरे सामर्थ्य खुदा। और ये वचन सुनते ही पिता इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता, बिगेस्ट टेस्टिमनी आए मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। सबको जान से की गॉड ब्लेस यू, आमीन।